हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग एक टॉय गन का। तो ये जो है स्पाइडरमैन गन है, क्योंकि इसके ऊपर जो है स्पाइडरमैन का पूरा थीम है। तो इसके अंदर जो इस तरीके के सॉफ्ट जो है डार्ट्स आते हैं, और ये जो है आपको पीछे से खींचना है, उस तरीके का पूरा गन है। तो यहाँ पे जो है इसको मैं आपको खोल के बता देता हूँ। तो ये जो एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसकी जो है प्राइस बार बार जो है चेंज होती रहती है। ओके, काफी इंटरेस्टिंग ये जो है गन है, और इसकी शॉर्टेज जो है होने की वजह से, तो मे बी डिलीवरी चार्जेस जो है होलसेलर को मतलब वो ज़्यादा हो जाने की वजह से इसकी प्राइस जो है काफ़ी बार जो है बढ़ चुकी है। तो ये वाला जो है ये 70 रुपीज़ का हम सेल करते थे, और ये वाला जो है अब हम 90 रुपीज़ का सेल करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है चीज़ों की शॉर्टेज की वजह से ये प्राइस आगे पीछे होता रहता है। तो इस तरीके की जो है गन है, और इसमें जो है यहाँ पे पीछे से इसको खींचना है। ओके, तो यहाँ पे एक इसमें टेक्निक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में इसको खींच के आप इसको लोड नहीं करना है, आपको जो है इसमें ये लगा देना है और इसको खींच के इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है, बहुत सारे बच्चों को जैसे कि ये वाला गन है, ये एक मदर थी, वो अपने बच्चे के लिए ले गई थी, बट उनको ऐसा लगा कि इसको जो है खींचने में बहुत ही ज़्यादा जो है दिक्कत आती है, और फिर वो ये रिटर्न करने आ गई थी। खोलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा प्रोडक्ट को यहाँ से खोल दिया है, और फिर रिटर्न करने आई थी, और उनका यही कहना था कि भाई मेरा बच्चा जो है इसको लोड नहीं कर पा रहा है। तो एक्चुअल में उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था कि ये गन को कैसे चलाना है। बहुत ही सिंपल है, इसको यहाँ से पीछे से जो है खींचना है, और यहाँ से ये फायर नहीं होगा, आपको यहाँ से इसको छोड़ेंगे, इस तरीके से ये फायर हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है, बट उस टाइम मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने उसको फिर दूसरी गन रिप्लेसमेंट में दे दी। तो ये जो है आपको मे बी 90-70 रुपीज़ में लोकल मार्केट में मिल जाएगा, और ऑनलाइन मार्केट में भी मिल जाएगा। इसकी बेस्ट बाय लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इन केस अगर जो है ये प्रोडक्ट आपको कहीं से मिल नहीं पा रहा है और फिर भी आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम भी जो है ये प्रोडक्ट को डिलीवर कर देंगे आपको, और 90 रुपये तो लगेंगे इसके, और मतलब जो भी रनिंग प्राइस होगा 70 रुपीज़ वाला अगर है स्टॉक में, तो वही आपको हम 70+ डिलीवरी चार्जेस आपको एडवांस पे करके आपको दे देंगे, और अगर 90 रुपीज़ वाला होगा तो आपको 90 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और अगर उससे भी ज़्यादा प्राइस इसके बढ़ गए हो, वो वाला प्रोडक्ट मतलब वो वाला स्टॉक हमारे पास होगा, तो आपको वो प्राइस देने पड़ेंगे। बट आप जब ऑर्डर प्लेस करें तो कन्फर्म कर लें कि आपके पास कौन से रेट वाला गन अभी पड़ा है, क्योंकि इसके प्राइस जो है काफ़ी वेरी हुए हैं लास्ट 4-5 महीनों के अंदर। तो इसको जो है आप ज़रूर से ट्राई करें, अपने बच्चों को गिफ्ट में भी दे सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के बच्चों को भी इसको गिफ्ट में दे सकते हैं। काफ़ी एट्रैक्टिव यहाँ पे इसका लुक है, तो इसको आप ट्राई करें और अपने अनुभव जो है कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करें। उसके अलावा यहाँ पे जो है आप मतलब ये वीडियो पे अगर 500 लाइक्स और 100 कमेंट्स आते हैं, तो इस प्रोडक्ट की जो है होलसेल प्राइस को मैं रिवील कर दूंगा, बट इसकी जो है होलसेल प्राइस भी 2-3 अलग अलग होगी, क्योंकि इसकी सेलिंग प्राइस भी अलग अलग है। तो सभी जो है उसकी मैं मतलब 3-4 जो भी होलसेल प्राइस है सबको जो है मैं रिवील कर दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर ये चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो सभी मतलब जितनी भी इस तरीके के प्रोडक्ट के वीडियोज हमने बनाए हैं, सभी की होलसेल प्राइस को मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर रिवील कर दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है हमने एक सोशल इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत आपको जो है मुझे बताना है कि भाई आपके घर पे कितने ऐसे खिलौने पड़े हैं जिसका आपके बच्चे से खेलते नहीं है। अब कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो खिलौना टूट गया है, या तो आपका बच्चा जो है वो बड़ा हो गया है, या तो फिर आपका बच्चा जो है उसको मतलब वो कंटिन्यूसली नए खिलौने की डिमांड करता है, इस रीज़न से अभी अभी खरीदे हुए खिलौने पड़े रहते हैं थोड़े ही समय के अंदर। तो आप ये खिलौने मतलब कितने खिलौने आपके वहाँ पे पड़े हैं, और आप ये खिलौने का क्या करते हैं, क्या आप उसको भंगार वाले को दे देते हैं, या तो फिर आप उसको OLX फेसबुक पे सेल करते हैं, या तो फिर आप अपने फ्रेंड्स से रिलेटिव्स के बच्चों को आप दे देते हैं, या तो फिर आप उसको जो है ऑर्फनेज में जाके, या तो फिर झोपड़पट्टी में जाके, या तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाके आप वो वहाँ पे रहते हुए बच्चों को आप डोनेट करते हैं, क्या करते हैं खिलौने का, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। एन्जॉय योर लाइफ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।